the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it? Hello, everyone. एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यहाँ नवनीत में. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ अब तक. आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल एंटरटेनमेंट वीडियो होने वाला है, जो कि मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यहां से लेकर इंस्टाग्राम तक. और कई बार मैंने ये चीजें पूछी भी है ताकि मतलब मैं एज्यूम कर पाऊं कि मुझे ज्यादा वोटिंग किसकी मिलती है. तो ये सब चीजों से मैं भी बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट की हूं. तो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा या फिर कैप्शन पढ़ के पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो जो है किस चीज पे आने वाला है. जी हाँ, इस वीडियो में जो है वो बेबी प्रिडिक्शन करेंगे, 10 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि मुझ में क्या क्या ऐसा सिम्टम्स है और क्या होने के चांसेस हैं और मतलब क्या होगा. तो मेरे मुझसे रिलेटेड कितनी परसेंट ये बात जो है वो सच होती है. हालांकि ये पूरा टोटली मिथ है, ये पूरा ही झूठ होता है. इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि हाँ ऐसा आप में अगर ये लक्षण दिख रहा है तो बेबी बॉय ही होगा या बेबी गर्ल ही होगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत टाइम पे ये चीजें गलत भी साबित हुई है. बट क्या है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ये प्रिडिक्शन करते रहते हैं कि ऐसा है तो इसको लड़का ही होगा, ऐसा है तो इसको लड़की ही होगी. कई बार ये चीजें सच भी हो जाती है और अगर 3 से 4 बार सच हो गया तो लोग इसको ठोस प्रमाण मान लेते हैं कि नहीं नहीं ये चीज करो, मतलब ऐसा अगर हो रहा है तो डेफिनेटली लड़का ही होगा या फिर डेफिनेटली लड़की ही होगी. सो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा. एंड हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यार प्यार कमेंट भी कीजिएगा और आप भी बताइएगा कि मुझे देख के आपको क्या लगता है. और ये जानने की क्यूरियोसिटी ना सब में होती है, चाहे फिर वो आपके रिलेटिव्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, इवन जो माँ बन रही होती है वो हो, जो पिता बनने वाले हैं वो हो, मतलब सब में ओवरऑल होती है कि हाँ लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है. तो अगर मेरी बात करोगे तो मेरे में भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी. तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो उस टाइम पे मैंने वेट किया था 3 मंथ का. कहते हैं 3 मंथ बाद जो है वो पता लग जाता है कि लड़का है लड़की, ऐसा डॉक्टर को पता लग जाता है. बट तो मैंने वेट किया था 3 मंथ. आफ्टर 3 मंथ जो रूटीन चेकअप के लिए जाऊंगी तो मैं डॉक्टर से डेफिनेटली पूछूंगी कि मतलब बेबी बॉय है या गर्ल. तो मैंने ये सोचा था और मैं गई थी जब 3 मंथ बाद, तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी था. तो डॉक्टर ने बोला कि ये हमारे इंडिया का प्रोटोकॉल है कि हम बता नहीं सकते और फिर रहो ना आराम से, जब डिलीवरी हो जाएगी तो तुम्हें भी सरप्राइज मिलेगा. तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या लड़का है या लड़की? तो मैंने बोला नहीं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लड़का है या लड़की. बट हाँ, मेरे अंदर इस चीज का एक्साइटमेंट जरूर है कि हाँ मुझे पता होना चाहिए. मतलब एक होता है ना एक्साइटमेंट, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा था. तो मैंने डॉक्टर को बोला बट डॉक्टर ने नहीं बताया. फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में. और कुछ दिनों क्या, बहुत लंबा टाइम था दैट टाइम पे जब 3 मंथ में मैं एंट्री की. एंड देन फिर 4th मंथ 5th मंथ, मतलब 2nd ट्राइमेस्टर में उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था मेरा. मतलब ठीक है, क्योंकि ये मैं माइंड से क्लियर हो गई थी कि मुझे डॉक्टर नहीं बताने वाली है, तो चलो ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके. तो फिर उसमें मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया था, उतना था नहीं कि नहीं पता करना कि क्या है, जो होगा अच्छा है, बस हेल्दी हो, स्वस्थ हो, क्यूट जरूर हो. एंड नाउ जबकि मैं 3rd ट्राइमेस्टर पार कर रही हूं, 8 मंथ मेरा खत्म भी हो चुका है एंड अब जाके मेरे अंदर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ रही है, वेट करने की क्षमता जो है और ज्यादा खत्म हो रही है. सबसे पहले तो ये मैं अपनी बेबी को देख लूं कि कैसा है कैसी है, और दूसरा ये कि लड़का है लड़की है क्या होने वाला है. तो चलिए, ये सब तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, छोटी मोटी बातें फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली. एंड अब जो है बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज इस वीडियो में पूरे 10 पॉइंट क्लियर करूंगी मैं कि मेरे अंदर क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो पॉइंट बेबी गर्ल को जाना है या बेबी बॉय को जाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो पहला पॉइंट है वो है माँ की सुंदरता. कहा जाता है कि अगर आपके प्रेगनेंसी जर्नी में अगर आप ज्यादा ग्लो आ रहा है, आप निखर रहे हो, आप बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो, आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो आपको बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है ये. ठीक है, कहते हैं कि जब बेबी गर्ल होती है तो वो माँ की सुंदरता ले लेती हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा सुंदर दिखना होता है. सो कहा जाता है कि अगर जब आपका फेस डल सा दिखे, अच्छा नहीं दिखे, तो ये सिम्टम्स जो है वो बेबी गर्ल की होती हैं. और अगर माँ सुंदर दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं, स्किन हेल्दी है, हेयर हेल्दी है, मतलब आपका स्किन क्लियर है, तो मीन्स बेबी बॉय होने के ज्यादा चांसेस हैं. ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को देखूं
तो मेरा स्किन, यस ऑफ कोर्स, हालांकि ये टोटली मिथ है, क्योंकि मैं इसका अगर जेन्युइन रीजन बताऊं तो इस 9 महीने में लोग बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, लाइक फ्रूट वगैरह लेते हैं, अच्छे अच्छे मतलब प्रोटीन, हाई प्रोटीन चीजें खाती हैं, जैसे कि मिल्क लेती हैं, दाल लेती हैं, फ्रूट में सेब लेना होता है, नारंगी लेना होता है, तो ऑफकोर्स आपका जो डाइट हेल्दी होगा ना, तो आपका स्किन और हेयर ऑब्वियसली हेल्दी ही होगा. सो इसका मेन रीजन ये है. हालांकि ये वीडियो बनाने का पर्पज ही इंटरटेनमेंट है, तो चलिए हम लोग उस पॉइंट पर चलते हैं. तो अगर मेरी बात करोगे तो मेरे अंदर हाँ, मुझे स्टार्टिंग में मतलब फोर्थ फिफ्थ मंथ तक जो है एक पिंपल नोज पे निकलता था, बट नाउ दिस टाइम पे मेरा फेस बहुत ज्यादा क्लियर है. एंड हाँ, मेरा हेयर भी सही रहा है, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ है, नॉर्मल जैसे पहले रहता था वैसा ही अभी भी है. सो यस, मेरा हेयर भी ठीक है एंड मेरा स्किन भी ठीक है. सो ये पॉइंट जो है वो बेबी बॉय को जाता है. चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं. कहा जाता है कि अगर आपको मीठा खाने का मन हो रहा हो तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस हैं, और अगर आपको तीखा खट्टा चटपटा ऐसा खाने का मन हो तो बेबी गर्ल होती है. ठीक है, तो अगर मेरी बात करोगे तो मुझे यस, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो या फिर आप मेरी पहले की वीडियो देखी हो, तो डेफिनेटली आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है. हालांकि मुझे लगता है मैं अपने लाइफ में इतना मीठा कभी नहीं खाई हूं जितना मैं इस 9 महीने की जर्नी में खाई हूं. मैंने मतलब पूरा बेबी पे बिल फाड़ा है कि बेबी को मीठा खाने का मन है, इसलिए मेरा मीठा खाने का मन है और मैंने बहुत खाया है. सो मेरा मीठा खाने का जो क्रेविंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मैं खाई भी हूं. अगर इस पॉइंट को प्रिडिक्ट करे कि मीठा खाना ज्यादा पसंद है या तीखा खट्टा चटपटा, तो यस, मुझे मीठा खाना ज्यादा पसंद है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को. एंड अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे. तो ऐसा माना जाता है कि आपकी बेबी का जो हार्ट रेट है 140 के आसपास है या 140 के नीचे है तो बेबी बॉय होने के चांसेस हैं, और अगर 140 के एवव ही हमेशा रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं. तो अगर मैं अपने बेबी की हार्ट रेट बताऊं तो मेरी बेबी का हार्ट रेट जो है वो हमेशा ही 140 के एवव ही रहा है, मतलब हाँ 150 के अराउंड में ही हमेशा रहा है, कभी भी 140 के नीचे नहीं रहा है. सो मेरा ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को. सो अब बात कर लेते हैं पॉइंट फोर्थ की. तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप बेबी को आप ऊपर की तरफ कैरी कर रहे हो, मतलब आपका पेट का जो आकार है वो पूरा गोला है, तो बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं. और अगर आपके पेट का आकार जो ओवल शेप पे है, मतलब आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ है, लोअर साइड से आप बेबी को कैरी कर रहे हो, तो ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय होने के चांसेस है. तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं अभी का, तो यस, मेरा जो है पेट जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी बॉय को. सो अब चल लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर फिफ्थ. सो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पेट में सीधा लाइन बना हुआ है, ब्लैक कलर का जो लाइन बनता है वो सीधा आपके नाभि से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सीधा है, तो वो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस हैं. और दूसरी तरफ ये माना जाता है कि अगर आपका जो वो लाइन बना हुआ है वो नाभि से नीचे है या फिर टेढ़ा मेढ़ा है, तो बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं. तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो यस, मेरा जो है जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है वो नाभि के नीचे ही है, मतलब हाफ लाइन ही है और ऊपर टेढ़ा मेढ़ा ही है, मतलब वो प्रॉपर नहीं है. अगर प्रॉपर की बात करें तो वो हाफ ही है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, अगर आप पूरे 9 महीने जो है सुबह में बहुत लो फील कर रहे हो, आपको सुबह में वोमिटिंग जैसा मन करता है, सुबह में उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, जिसको कहते हैं सिंपल वे में अगर बोलूं तो मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, अगर मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो मेरा थर्ड मंथ तक था, थर्ड मंथ के बाद बिल्कुल भी नहीं है. और थर्ड मंथ तक भी मुझे लगता है मॉर्निंग सिकनेस नहीं था, वो मेरे वीकनेस की वजह से जो भी आया वो था, या फिर बहुत सारे सिम्टम्स थे मेरे. तीसरे मंथ तक मैंने काफी चीजें फेस की थी, मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी. मैं इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दूंगी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं. सो अगर मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो मुझमें नहीं है, मुझे सुबह में बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है, मैं बहुत फ्रेश उठती हूँ और अपना काम जो है वो रेगुलर जो मेरा रूटीन होता है वो मैं करती हूँ. और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो बेबी गर्ल होने के ज्यादा चांसेस हैं, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं है तो बेबी बॉय होने के चांसेस हैं. तो अगर मेरी बात करोगे तो मुझे नहीं होती है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को. सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि अगर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपका हाथ पैर जो है वो हमेशा ही ठंडा रहा है या फिर ठंडा रहता है, तो बेबी बॉय होने के ज्यादा चांसेस है. अगर मेरी बात करोगे तो मेरा हाथ पैर कभी ठंडा नहीं रहा है, इवन ठंडी में भी गर्म ही रहता है, तो ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी गर्ल को. सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 पे. तो ऐसा माना जाता है कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके साथ साथ आपका पार्टनर भी वेट गेन कर रहा है,
तो ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। अगर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आप वेट गेन कर रहे हो और आपका पार्टनर बिल्कुल वेट गेन नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। सो अगर मेरी बात करोगे तो मेरे पति ने बिल्कुल वेट गेन नहीं किए हैं। आप लोग वीडियो देखते हो, पहले के भी वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो अभी लेटेस्ट या फिर पहले के, तो उन्होंने बिल्कुल वेट गेन नहीं किया, उनका जो है वैसा ही है। वेट गेन तो मैंने किया है, काफी किया है। सो मेरा ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। तो अभी सिर्फ अब दो पॉइंट बचे हुए हैं, तो पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अगर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपका मूड कुछ ज्यादा ही स्विंग हो रहा है, मतलब मूड में काफी चेंजेस आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस अगर आपको आ रहा है, तो वो बेबी गर्ल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कहते हैं लड़कियों में ज्यादा नखड़ा होता है। और अगर आपका मूड स्विंग कम हो रहा है, मतलब ज्यादा नहीं हो रहा, हालांकि ये जो पीरियड होता है, ये पूरा प्रेगनेंसी जो जर्नी होता है, उसमें एक माँ बहुत सारी चीजें झेलती हैं, बहुत सारी चीजें मतलब सफर करती हैं चीजों को, तो मूड स्विंग होना ये नॉर्मल है, हो जाता है, कई बार हो जाता है, आपको बिना बात के भी चिड़चिड़ापन आती है, कई बार गुस्सा आ जाता है, तो मूड स्विंग होना ये बहुत कॉमन है ये इस प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इस 9 महीने में एक माँ का जो बॉडी होता है वो टोटली सेक्रीफाइस करता है हर चीज के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आसपास में भी कुछ ऐसे निगेटिव लोग होते हैं जो चीजें हम देखना नहीं चाहते बट हमको कई बार देखना होता है। एक मैंने वीडियो डाला था माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी, उनमें किन्हीं का कॉमेंट था कि अगर पार्टनर ही आपका आपको परेशान करे और आप फ्रस्ट्रेट रहते हो एनी टाइम, वहां पार्टनर को कैसे टॉलरेट कर सकते हैं। इसमें तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पूरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर आपका पार्टनर हो, या फिर आपके सास हो, ससुर हो, या फिर आपके माँ बाप हो, मतलब पूरी फैमिली जो होती है, आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं, हालांकि सबको थोड़ा पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है एक लड़की को बहुत ज्यादा जरूरत होती है लोगों की पैम्परिंग की, क्योंकि उससे अगर इस 9 महीने में इंपॉर्टेंस दोगे तो शायद उसका मूड हमेशा सही होगा, आपका बेबी अच्छा आएगा, आपका बेबी हेल्दी आएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है माँ के मूड पे, माँ की हरकतों पे, उससे बेबी रिलेट करता है। तो हालांकि पूरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, उसमें मैं क्या बोलूं, मतलब पार्टनर को तो डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए और आपके आसपास जो लोग रहते हैं सबको सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी बिना बात के एक माँ जो है, जो माँ बनने वाली है, वो गुस्सा करे, तो जो भी आप जिस पे भी गुस्सा कर रहे हो उनको टॉलरेट करना चाहिए कि इट्स ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप थोड़ी देर में वो जो गुस्सा किए हैं वो खुद नॉर्मल हो जाएंगे। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर उसी रिएक्शन पे आप अगेंस्ट जाके रिएक्ट करोगे तो वो चीजें थोड़ा, जो माँ बन रही हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है टॉयलेट करना। तो मेरा मानना है कि अगर आपके आसपास में जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई फैमिली मेंबर देख रहे हो ना मेरा वीडियो, सो प्लीज अगर आपके घर में भी आपकी बेटी या बहू कोई भी माँ बनने वाली है, तो प्लीज उसको मोरल सपोर्ट दो, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि इस वक्त आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो हम लोग बात कर रहे थे मूड स्विंग्स की, तो इन 9 महीनों में जो है ये नॉर्मल है मूड स्विंग होना, बट हाँ जिनको ज्यादा होता है, माना जाता है कि लड़की होने के चांसेस है, और जिनको कम होता है वो माना जाता है कि बेबी बॉय होने के चांसेस है। तो अगर मेरी बात करोगे तो मुझे मूड स्विंग्स कम हुए हैं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने आप को इधर उधर ज्यादा बिजी रखती हूँ ताकि मेरा फालतू की चीजों में दिमाग ही ना जाए, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर मेरे मूड स्विंग की बात करेंगे तो ये पॉइंट जाता है मेरी तरफ से बेबी बॉय को। सो अब चल लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मीन्स लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट और 10 नंबर पॉइंट जो है वो हमारा है कि अगर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथ पैर में एनी टाइम सूजन रहता है, पेन रहता है, बिना किसी रीजन का भी आपका हाथ पैर हमेशा फुला रहता है, आपके हाथ पैर में हमेशा सूजन रहता है, तो ये चांसेस हैं बेबी गर्ल होने के। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा हाथ पैर बेवजह नहीं फूला है, मुझे तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे सिर्फ 2 से 3 बार ऐसा फील हुआ है कि मेरा हाथ पैर जो है वो फूल गया है। जैसा कि पहला था मेरा मैरिज एनिवर्सरी अभी जो रिसेंटली गया है, तो उसमें शायद मैं कुछ ज्यादा देर बाहर रह गई थी और बुफे वगैरह में ज्यादा देर बैठ के और कुछ ज्यादा खा लिया था, एंड ये सब भी एक रीजन हो सकता है। तो उसके बाद मेरा मतलब पैर भी फूल गया था एंड हाथ भी फूल गया था, एंड दूसरा इनके बर्थडे पे उस दिन मैं कुछ ज्यादा काम कर ली थी, काम करके बाहर निकल गई थी, तो ज्यादा देर बैठना हो गया था, खड़े रह गई थी, लेट नहीं पाई थी। तो यही 2 से 3 बार जब मैं कुछ ज्यादा ही काम कर ली थी, जितना मुझे नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो उस समय मेरा हाथ पैर फूला था। तो और ऐसे जब मैं घर में रहती हूँ तो मेरा हाथ पैर कभी फूला नहीं रहता है। सो ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी बॉय को। सो मेरे अंदर ये हाथ पैर फूलने वाला जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा दिखा नहीं है, और जब भी दिखा है पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में, सो 2 से 3 बार, और रीजन मैंने आपको बता ही दिया क्या रीजन था। तो ये मुझे लगता है कि मेरा ऐसा जनरली मेरा
मेरा सूजन है नहीं मेरे हाथ पैर में, तो डेफिनेटली बेबी बॉय को पॉइंट किया जाता है। सो आपके साथ मैंने पूरा 10 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच होने वाला है और कितना झूठ होने वाला है, ये तो मैं बेबी आने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो को, कि जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसमें कितना चीजें मेरे से मैच किया है, कितना नहीं किया है और कितना फॉल्स चला गया है। तो इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, ये जब मेरा बेबी आ जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली वीडियो शूट करके डालूंगी, अपना पूरा फुल एक्सपीरियंस डालूंगी कि जो मैंने चीजें ज्यूम की थी वो चीजें सही हुई है। मेरे आसपास के लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाला है, कितना परसेंट सच निकला है और कितना परसेंट झूठ निकला है, तो वो मैं आफ्टर डिलीवरी ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। सो गाइज, ये वीडियो का पर्पज जो था वो फुल एंटरटेनमेंट था, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं एक चीजें क्लियर करना चाहूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह पे चीजें अलग भी बताई जाती है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं अगर आपको मीठा खाना पसंद है मीन्स बेबी गर्ल होगी, अगर आपके फेस पे ज्यादा ग्लो है मीन्स बेबी बॉय होगा, तो बहुत चीजें कंफ्यूजन वाली भी है। तो इस चीज का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि मैंने जो बताया वो 100% सही ही बताया है। मैंने भी जो जहां जहां से कहीं कहीं से कुछ कुछ जो सुना है, जो मुझ पे सुनाया गया है, जो खुद मुझ पे अप्लाई हुआ है लाइक इंस्टाग्राम या फिर आसपास के लोग, तो बस वही चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ प्यार प्यार कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, आप लोग मुझे बहुत दिन से देख रहे हैं ना, तो आप भी प्रिडिक्ट करके कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर आप लोगों को पॉसिबल हो तो मुझे अच्छे अच्छे नाम भी सजेस्ट किया करो, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं है तो मुझे नाम भी सोचना है। सो आप लोग नाम भी सजेस्ट कर सकते हो प्यारा प्यारा, उसमें से मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे कौन कौन सा नाम अच्छा लगा है और मैं कौन सा रखना पसंद करूंगी। सो डेफिनेटली आप लोग नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं और आप लोग बेबी बॉय एंड गर्ल भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।